ओम नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष मंगलवार सप्तमी तिथि सुबह 10:17 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में शाम 6:25 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा साढ़ा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सुखी, धनवान, भाग्यशाली और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक ईमानदार, न्याय संगत बात करने वाले, आशावादी, सहनशील, आवश्यकता से अधिक उदार, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने वाले, शीघ्र सफलता प्राप्त करने के इच्छुक और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी पूरे दिन धनु राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज भी चंद्रमा की युति शनि के साथ बनी रहेगी, मगर नक्षत्र शुक्र का पूरे दिन शाम तक कायम रहेगा, जिससे प्रबल उत्साह और रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विभागीय अधिकारियों से सहयोग कायम रहेगा, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर वाणी की मधुरता बनाए रखें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव लगा रहेगा, शारीरिक रूप से आलस्य और मानसिक सुस्ती महसूस होगी, मगर व्यावसायिक दायित्व की पूर्ति होगी और कार्य क्षेत्र में उत्साहजनक स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर सुख शांति में कमी महसूस होगी। विवेचनात्मक कार्यों में पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता संभावित है, साथ ही साथ अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और देव दर्शन के योग बनते हैं। वृष राशि के जातकों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में निवेश अपने बुद्धि कौशल से सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर कुछ मामलों में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। योजनाओं में विवाद की स्थिति या रुकावट संभावित है। निजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अपने प्रयास जारी रखें। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। निजी संबंधों में मानसिक दबाव और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलेंगे, मगर सकारात्मक सोच और सक्रियता में कमी संभव है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित रहेगी। कुछ योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर आय की गति धीमी रहेगी। वाणी की मृदुलता बनाए रखें। निजी व रिश्तेदारों के बीच तनावपूर्ण स्थिति संभावित है, मगर पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नौकरी करने वाले व्यक्ति राहत महसूस करेंगे। हर काम आसानी से संपन्न होगा और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते जाएंगे। अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य बरकरार रहेगा और सकारात्मक प्रेरणा मिलती जाएगी, मगर मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। वाद विवाद को टालना उचित होगा। आर्थिक लाभ मिलता जाएगा और साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य होगा। भावनात्मक लगाव और मानसिक संवेदना बढ़ी रहेगी। संतान के प्रति चिंता का माहौल और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं, मगर ऊर्जा स्तर और सक्रियता बनी रहेगी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। नई कार्य योजनाओं की पहल जारी रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है। शनि चंद्रमा की युति और चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होने से सक्रियता प्रभावित होगी। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के कई नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में निवेश का योग बना हुआ है जो कि लाभदायक होगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और आपका बुद्धि कौशल लाभदायक क्षेत्र में ले जाएगा। मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वैवाहिक योजनाएं फलीभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। मौसम संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और पारिवारिक तालमेल में कमी भी संभव है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। भाग्यवश काम अच्छे होते जाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष में सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुके हुए या विवादित मामले भी सुलझ सकते हैं और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, मगर नकारात्मक सोच संभावित है। शनि चंद्रमा की युति वाणी भाव में है। नकारात्मक सोच के लिए प्रवृत्ति बनी रहेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता जारी है और आर्थिक लाभ के कई अवसर सामने आएंगे, मगर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति में व्यवधान भी संभव है। हालांकि निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु राशि के जातकों की शारीरिक ऊर्जा और मानसिक सक्रियता साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास प्रभावित होंगे। शनि चंद्रमा की युति आपकी राशि पर है। वाणी में मधुरता कायम रखें और उत्तेजनात्मक माहौल को नजरअंदाज करें। नवीन कार्य योजनाओं में स्थिरता बनी रहेगी। कुछ कामों में रुकावट या अड़चने भी संभावित हैं, मगर आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और लाभ के कई अवसर सामने आएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी, मगर विभागीय मामलों में सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। मानसिक उत्तेजना और मन का अंतर्द्वंद आज के लिए ज्यादा रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अपव्यय का संकेत भी मिलता है। हालांकि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम आवश्यक है। आपसी तालमेल में कमी और निजी संबंधों में तनाव महसूस होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी और पारिवारिक सहयोग में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। विवादित योजनाओं में समझौता करना लाभदायक रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि के जातकों को आज के दिन मानसिक चिंता और मन का अंतर्द्वंद हावी रहेगा। चंद्रमा के शुक्र के नक्षत्र में और शनि चंद्रमा के प्रभाव से कार्य योजनाओं के क्षेत्र में निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। उत्साह और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, मगर अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू करें। संघर्ष और मेहनत की प्रवृत्ति बनाए रखें, सफल रहेंगे। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। हालांकि आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा और आपके आवश्यक काम संपन्न होंगे और निजी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।